कलर्स के शो सिलसिला में बड़ा ही मजेदार मोड़ आ गया है। कुणाल नंदिनी को अपने प्यार का एहसास हो चुका है, लेकिन अब दोनों के मन में मौली को लेकर उलझन है, क्योंकि एक तो मौली की दोस्त है तो दूसरा वही मौली का पति। यानी कुल मिलाकर शो में इस वक्त काफी इमोशनल मेलोड्रामा दिखाया जा रहा है। ऐसे में हम आपको बता ही चुके हैं कि नंदिनी बहुत जल्द कुणाल और मौली की जिंदगी से दूर जाने का फैसला करेगी, लेकिन सुनने में आया है कि मौली अपनी दोस्त को ऐसा करने से रोक लेगी। और अब ऐसे में लेटेस्ट खबर ये मिली है कि नंदिनी बहुत जल्द कुणाल के बच्चे की माँ बनेगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नंदिनी और कुणाल मौली को धोखा देंगे और अपने रिश्ते को एक कदम और बढ़ाएंगे, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि असल में मौली ही नंदिनी को इस बात के लिए तैयार करेगी। दरअसल सूत्रों की माने तो आप शो के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मौली अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेगी, लेकिन मौली को उस वक्त झटका लगेगा जब डॉक्टर्स मौली को ये बताएंगे कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। उधर कुणाल के दिमाग में भी सिर्फ और सिर्फ नंदिनी ही है, और फिर यहीं से मौली भी नंदिनी की तरफ एक उम्मीद के साथ देखेगी। सुनने में आया है कि कहानी में मेजर टर्न तब आएगा जब मौली खुद नंदिनी को उसके बच्चे की सरोगेट मदर बनने को कहेगी। अब देखना होगा कि क्या मौली के एहसान तले दबी नंदिनी मौली की बात मान लेगी, क्या कुणाल की खुशी के लिए नंदिनी उसके बच्चे की सरोगेट मदर बनेगी। तो अब देखते हैं कि ये बड़ा ट्विस्ट कुणाल और मौली की शादीशुदा जिंदगी को कैसे बदलेगा।